नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये की, अयोध्या विवाद पर बीजेपी को लगे झटके की, जानेंगे कि कहां बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी जेडीयू, नीतीश के बाद किस सहयोगी ने दिखाई मोदी सरकार को आंख, और आखिर में बात तीर्थयात्रा पर मौसम की मार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एएमयू में आरक्षण विवाद में कूदे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया, आरक्षण से संबंधित दस्तावेज मांगे, बोले संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो रुकवा दी जाएगी ग्रांट। दिल्ली में सीएम और उपराज्यपाल के अधिकारों की लड़ाई पर कल आएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट कल तय करेगा कौन होगा दिल्ली का बॉस। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीएम मोदी पर हमला, नोटबंदी और जीएसटी से पीएम ने करोड़ों भारतीयों पर की सर्जिकल स्ट्राइक। खराब मौसम के चलते 1500 मानसरोवर तीर्थयात्री नेपाल में फंसे, दो यात्रियों की मौत की खबर, नेपाल में फंसे भारतीयों को लेकर पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय से की बात। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 5378 पर हुआ बंद, निफ्टी 42 अंकों की बढ़त के साथ 10600 के ऊपर चढ़कर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में काफी वक्त से गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी चिंतित है। घटनाओं पर लगाम लगाने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही यह भी कहा है कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों को कदम उठाने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने आज गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं और इन पर लगाम लगाने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर हिंसा की वारदातें नहीं होनी चाहिए, भले ही कानून हो या नहीं, कोई भी समूह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे इस तरह की वारदात अपने यहाँ ना होने दे। गौरक्षकों द्वारा की जाने वाली हिंसा की घटना को रोकने के लिए न्यायालय विस्तृत आदेश जारी करेगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह ने कहा कि धर्म, जाति और लिंग को ध्यान में रखा जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये उचित नहीं है, पीड़ित सिर्फ पीड़ित होता है और उसे अलग अलग खांचे में नहीं बांटा जा सकता। गौर करने वाली बात है कि देश में जब से मोदी की सरकार बनी है तब से गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2017 के दौरान गौ रक्षा के नाम पर हुई कुल हिंसक घटनाओं में 97% मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हुई हैं। इनमें से 24 पीड़ित मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 5 दलित और 3 हिंदू या सिख समुदाय से थे। साल 2017 में गौ रक्षा के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जबकि इस साल बच्चा चोरी और मवेशियों की चोरी के शक में भीड़ द्वारा पिटाई के मामले सामने आ रहे हैं। दोनों ही मामलों में लोगों ने कानून को हाथ में लिया, जिसे लेकर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। वाकई ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 100 में से 97% घटनाएं केवल मोदी के राज में ही हुई है। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। वैसे अगर कामकाज को देखें तो मोदी सरकार केवल राम मंदिर की सियासत में व्यस्त नजर आती है। तभी तो नेता कभी मंदिर बनवाने का राग अलापते हैं तो कभी राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा करने की याचिका लगाते हैं। लेकिन बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की इस याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मामला बीजेपी के लिए वो मुद्दा है जिसे वो हर बार चुनाव में उठाती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा। पार्टी के नेता हर बार राम राग अलापना शुरू कर देते हैं। 2014 में भी पार्टी ने राम के नाम के सहारे अपनी नैया पार लगाई थी और अब वो 2019 में भी यही राग अलाप कर कमल खिलाने का ख्वाब देख रही है। तभी तो यहाँ सीएम योगी जल्द से जल्द मंदिर बनवाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तो राम जन्मभूमि पर पूजा की मांग को लेकर सीधा उच्चतम न्यायालय ही पहुंच गए। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अयोध्या के विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा करने के अपने मौलिक अधिकारों की मांग की, लेकिन कोर्ट ने स्वामी को झटका देते हुए याचिका पर त्वरित सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि आप बाद में मामले का विशेष उल्लेख करें। आपको बता दें कि इससे पहले मई में स्वामी ने इसी तरह की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उस समय न्यायालय ने उन्हें जुलाई में इस मामले को उसके सामने रखने को कहा था।
उसी सलाह के तहत बीजेपी नेता शीर्ष अदालत के समक्ष पहुंचे थे, लेकिन आज भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट। बीजेपी कभी राम नाम पर सियासत करती है तो कभी आरक्षण का जिन निकाल कर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुन्ना विवाद छेड़ने वाले सांसद सतीश कुमार गौतम ने अब एएमयू में दलितों के आरक्षण की मांग कर नई बहस छेड़ दी है, जिसमें अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कटेरिया भी कूद पड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कन्नौज में अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में दलितों को आरक्षण की वकालत की थी। सीएम के इस बयान के बाद अब बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आरक्षण के मसले पर हरकत में आ गए हैं। अलीगढ़ से सांसद सतीश कुमार गौतम ने एएमयू के वाइस चांसलर को एक पत्र लिखा है। उन्होंने वीसी से पूछा है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में चल रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय में एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों को प्रवेश में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। एएमयू में वंचित वर्ग को आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक क्या कोशिशें की हैं? आपको बता दें कि सतीश कुमार गौतम ने जिन्ना की तस्वीर को लेकर भी पत्र लिखा था, जिसके बाद एएमयू में घमासान छिड़ गया था और इस बार भी सतीश गौतम ने पत्र लिखकर आरक्षण के जिन को बाहर निकाल दिया है। बीजेपी सांसद के बाद अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया भी अब इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि माना एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से संबंधित मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में किस आधार पर एएमयू ने आरक्षण व्यवस्था पर रोक लगा रखी है। कठेरिया ने एएमयू प्रशासन से आरक्षण और अल्पसंख्यक दर्जा से संबंधित सभी दस्तावेजों की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक महीने के भीतर संतोषजनक जवाब के साथ दस्तावेज नहीं दिए तो वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे और उसे यूजीसी से मिल रही ग्रांट को रुकवा देंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट। जहां बीजेपी सियासी फायदे के लिए राम मंदिर और आरक्षण का मुद्दा उठा रही है तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ ही उसकी परेशानी बढ़ाने में लगे हैं। बिहार में सहयोगी पार्टी जेडीयू ने तकरार के बीच चार राज्यों में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान किया है। जेडीयू बीजेपी के गढ़ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस साल के अंत में चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष के साथ साथ अब बिहार में सहयोगी पार्टी जेडीयू भी खड़ी हो गई है। जेडीयू ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इन राज्यों में जेडीयू की पैठ मजबूत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसने चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। पार्टी का कहना है कि वो उन राज्यों में अपनी जड़ों की तलाश करेगी जहां वो कमजोर है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव अब समाजवादी एजेंडे से विचलित हो चुके हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने उन जगहों पर फिर से जाने का फैसला किया है जो कभी समाजवादियों का गढ़ हुआ करते थे। जेडीयू ने यह फैसला 12 जुलाई को अमित शाह के दौरे से पहले लिया है। माना जा रहा था कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नीतीश कुमार को मनाने के लिए राज्य का दौरा करने वाले हैं। दरअसल बीजेपी और जेडीयू में 2019 चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव चल रहा है। जेडीयू ने प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों में से 25 पर दावा जताया है, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं। इसे लेकर ही अमित शाह नीतीश से बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही जेडीयू ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एक तरफ नीतीश आंख दिखा रहे हैं तो वहीं अब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी आंखें तरेरी है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार की मांग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे उसे पिछड़ेपन को दूर करने में मदद मिलेगी। साल 2000 में जब देश की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में थी, उस समय उन्होंने बिहार को पिछड़ेपन से दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया था, लेकिन आज 18 साल बाद समिति केवल कागजों में ही रह गई। पीएम मोदी बिहार की ओर देख ही नहीं रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इसी वादे को याद दिलाते हुए आज केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार का विभाजन जब नहीं हुआ था तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन झारखंड के अलग होने के बाद सभी खनिज और उद्योग वहां चले गए, इसलिए राज्य को विशेष दर्जे की जरूरत है। रामविलास पासवान ने कहा कि वाजपेयी सरकार के दौरान बिहार के पिछड़ेपन को लेकर एक समिति गठित की गई थी, जिसके बाद से अब तक यह मामला लंबित है। एलजेपी के प्रमुख रामविलास पासवान ने भी सीएम नीतीश कुमार की तरह पीएम मोदी की तरफ आंखें तरेरी है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू और एलजेपी दोनों ही साथ में एनडीए को झटका देंगे, क्या दोनों ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की राह पर चलेंगे। जैसे नायडू ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर खुद को अलग किया, क्या वैसा ही कदम नीतीश और रामविलास पासवान भी उठाएंगे। देखना होगा कि एनडीए के साथ पासवान की दोस्ती बरकरार रहती है या फिर टूटती है।
डीबी लाइव की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से अपने पराये हो रहे हैं उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वैसे अभी तो महागठबंधन की सुखबुगाहटों ने पीएम मोदी की चिंता बढ़ा रखी है। तभी तो उन्होंने स्वराज पत्रिका में जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने महागठबंधन को जमकर घेरा है। स्वराज पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दल महागठबंधन का गठन राष्ट्रहित के लिए नहीं बल्कि खुद के अस्तित्व को बचाने और सत्ता हथियाने के लिए कर रहे हैं। मोदी ने महागठबंधन को प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाने की महादौड़ बताया और कहा कि इसमें हर दल का नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन महागठबंधन का दूसरा सहयोगी उसे पीछे धकेल कर खुद दौड़ जीतना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री के लिए तैयार है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं। ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन इसमें वाम दलों को दिक्कत है। उन्होंने कहा कि जहां तक 1977 और 1989 में महागठबंधन बनाने की बात है तब स्थितियां अलग थी। वर्ष 1977 का महागठबंधन आपातकाल के कारण खतरे में पड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए था, जबकि 1989 का महागठबंधन देश को झकझोरने वाले बोफोर्स घोटाले के कारण हुआ था। लेकिन इस बार विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा ही नहीं। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को एक क्षेत्रीय दल बताते हुए कहा कि देश पर अकेले राज करने की बात करने वाली पार्टी आज सहयोगी दलों को जुटाने के लिए दर दर भटक रही है। कांग्रेस सिर्फ पंजाब, मिजोरम और पुडुचेरी में सत्ता में है, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा में उसका एक भी सदस्य नहीं। अन्य राज्यों में उसकी हालत कैसी है उससे सभी वाकिफ है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात तीर्थ यात्रा पर मौसम की मार की। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर मौसम की मार पड़ी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने के बाद वापस लौट रहे 1500 से ज्यादा भारतीय नागरिक खराब मौसम के कारण नेपाल के हुमला जिले में स्थित सिमिकोट में फंस गए हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान भी 3 लोगों की मौत हो गई है। देश भर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे, लेकिन खराब मौसम ने उनकी यात्रा में खलल डाल दिया। भारी बारिश की वजह से नेपाल के हुमला जिले में स्थित सिमिकोट में यात्री फंस गए हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने बताया कि खराब मौसम के कारण बचाव अभियान में बाधा आ रही है। कुछ श्रद्धालु नेपाल तिब्बत सीमा के समीप हिल्सा में फंसे हुए हैं, जबकि कुछ सिमिकोट में फंसे हुए हैं। दूतावास ने कहा कि सिमिकोट में 525, हिल्सा में 550 और तिब्बत में 500 से अधिक श्रद्धालु फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि हालातों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जैसे ही मौसम में सुधार होगा श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से नेपालगंज लाया जाएगा। गौरतलब है कि नेपाल में मौसम की स्थिति सोमवार से ही खराब बनी हुई है। मूसलाधार बारिश से कम एक दर्जन लोगों की मौत हो गई है, वहीं अब श्रद्धालु भी फंस गए हैं। जहां एक तरफ मानसरोवर यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है तो वहीं अमरनाथ की यात्रा पर निकले श्रद्धालु भी मौसम की मार झेल रहे हैं। भारी बारिश के चलते कई बार यात्रा को रुकवाया गया। वहीं सबके बीच यात्रा पर जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी आई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।